Good morning, student. This is Navin Sharma. Today we will continue the chapter number 9. But आपने biomolecules, ठीक है? ये biomolecules chapter के अंदर अपन ने previous class के अंदर अपन ने different type के molecules देखे थे, जैसे protein भी देखा था, nucleic acid भी देखा था, ठीक है? आज अपन एक special molecules लेकर आ रहे हैं, ठीक है? वो है अपना enzyme. क्या है एंजाइम? एंजाइम होते क्या है ये एंजाइम, इसको अपन इसके अंदर डिटेल से देखेंगे या फिर ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है? देखो एंजाइम क्या है, आपकी केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा था, एक वर्ड देखा था कैटलिस्ट, ठीक है? क्या देखा था? कैटलिस्ट. क्या फंक्शन था उसका? ठीक है, कैटलिस्ट का क्या फंक्शन था? देखो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है? तो अपन देखें तो एंजाइम क्या है, डेफिनेशन देखिए. सबसे पहले एंजाइम इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है? ये क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है? दैट जो कि क्या करता है, जो कि एक्सेलरेट करता है किसी को एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है? ये क्या है? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो कि क्या करता है, एक्सेलरेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है? अब ये एक्सेलरेट कैसे करता है, ठीक है भाई? कोई भी रिएक्शन है उसकी नॉर्मल कंडीशन तो आ रही है, लेकिन किसी भी चीज सब्सटेंस के या फिर केमिकल के आ जाने की वजह से वो अचानक से इंक्रीज कैसे होगी, ठीक है? देन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन बाय, ठीक है? ये क्या करता है केमिकल रिएक्शन में, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, लो कर देता है. अब आप कहोगे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, ठीक है? इसको समझते हैं, एक वर्ड है अपने पास में एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी. देखो क्या होता है कि कोई भी एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, ए है प्लस बी है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी में, ठीक है? तो इस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, समझा? कोई भी वर्क स्टार्ट करने के लिए क्या होती है, हल्की सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहां पर भी क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एनर्जी इस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए वही एनर्जी क्या कहलाती है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? समझना क्या, जो एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए चाहिए वो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी. समझना क्या, कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये तो अपन इसकी डेफिनेशन देख ली कि ये करता क्या है, ठीक है? अब क्या होता है कि जो एंजाइम्स है, ठीक है, मोस्टली एंजाइम ठीक है, क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं. किसके? प्रोटीन के होते हैं. और ये प्रोटीन क्या होती है, अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था, ये क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है? ये क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. समझ में आ गया? मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, और ये इसमें क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है? समझ में आ गया? लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक एंजाइम की तरह वर्क करते हैं. समझ में आ गया? अगर अपन देखें एक न्यूक्लिक एसिड होता है,
ये इतने इंपोर्टेंट स्टार लगा रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि क्या करता है, एंजाइम की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। उसका जो नेम है वो अपने लिए इंपोर्टेंट है, वो क्या है, राइबोसाइन, ठीक है। राइबोसाइन क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है जो कि क्या करता है, एक एंजाइम का वर्क करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। समझ में आ गया। देखो क्या होता है कि कोई भी एंजाइम है वो क्या होता है, हमेशा एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए ही होता है, ठीक है। अगर अपन देखें देखो अगर अपन कुछ पॉइंट लेते हैं इसके अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी नेम दिया जाता है, ठीक है, द कोई भी सब्सटेंस जो क्या है स्टार्ट पॉइंट पे है, ठीक है, क्या है स्टार्ट पॉइंट पे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो क्या कहलाता है आपका, सब्सट्रेट, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सब्सट्रेट। और जो एंड प्रोडक्ट में है, ठीक है, एंड में जो बचा है वो क्या कहलाएगा आपका, प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी सब्सट्रेट जो स्टार्ट में है वो तो सब्सट्रेट कहलाता है, और जो एंड में बचा है वो क्या कहलाएगा आपका, प्रोडक्ट। जैसे मैं एग्जांपल लिया है ए प्लस बी और क्या बना अपना सी, तो ये दोनों तो क्या हो गए अपने सब्सट्रेट, और ये क्या बन गया अपना, प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। समझ में आ गया सब्सट्रेट और प्रोडक्ट के अंदर। अब देखो इसके अंदर अपन ने कहा कि एंजाइम जो है वो वर्क कैसे करता है, एंजाइम अपन ने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, ये लो। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले ये क्या करेगा, एंजाइम किसी भी सब्सट्रेट से, ठीक है, किसी भी सब्सट्रेट से क्या करेगा, बाइंड करेगा, क्योंकि एंजाइम क्या होता है, सब्सट्रेट स्पेसिफिक होता है, एक एंजाइम है वो किसी स्पेसिफिक सब्सट्रेट से ही बाइंड करता है, ठीक है। ऐसे नहीं एक एंजाइम है किसी भी केमिकल रिएक्शन में है किसी भी सब्सट्रेट से जाकर बाइंड होगा, सब्सट्रेट स्पेसिफिक होता है एंजाइम, तो इसलिए क्या करेगा, सब्सट्रेट से क्या करेगा, ये बाइंड करेगा, ठीक है। सब्सट्रेट हो गया, एंजाइम हो गया, ये बनने के बाद में क्या बनेगा, ये ई एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या बनेगा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। समझ में आ गया, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ये किसमें चेंज होता है, आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो एक इक्वेशंस होती है, इक्वेशंस क्या हो गई, ये अपने सब्सट्रेट है प्लस एंजाइम हो गया, तो इसमें क्या बनाया आपके पास में, ईएस कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। या फिर इसको आप कंफ्यूज ना हो तो एसईबी लिख लो, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या इसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया। लेकिन अपन ने क्या कहा था, ये कैटलिस्ट है, ठीक है, एंजाइम क्या है, एक कैटा कैटलिस्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट की क्या स्पेसिफिकिटी होती है कि वो क्या करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या कर रहा है, रेट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो अपने आप में कोई भी चेंजेस नहीं लाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि यहां पर भी क्या होगा कि उसने सब्सट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज तो कर दिया, लेकिन एंजाइम जैसे है वैसे की वैसे फॉर्म के अंदर वो अपन को वापस मिल जाता है। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप का कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कभी भी चेंज नहीं होता, वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में एज इट इज अपन को गेन होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये एक इक्वेशन है, समझ में आई। अब अपन इसको देखते हैं कि ये तो अपन इक्वेशन देखी, एक चार्ट की फॉर्म में देखें, ठीक है, ग्राफ बनाकर देखें तो होता क्या है, एक ग्राफ बनाएंगे अपन, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर अपन देखें ये क्या होगी आपकी रिएक्शन की रेट, ठीक है, समझ में आ गई, ये रिएक्शन है, और यहां पर आपकी क्या आ जाएगी,
जो केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब अपन ने कहा कि एक प्रकार की क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो अपन ने कहा ये अपनी किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नॉर्मली बिना कैटलिस्ट के, बिना एंजाइम के क्या होती है, एक रिएक्शन है स्टार्ट हुई, ठीक है। उसका क्या हुआ, पीक पॉइंट, जहां पर उसको एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है, मिली। उसके बाद में वो धीरे 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 सब्सट्रेट किसके अंदर चेंज हो रहा है, आपके प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। यहां पर क्या आ गया आपका प्रोडक्ट, यहां पर क्या है आपका सब्सट्रेट, ठीक है, चल रहा गया, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो क्या होगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी और लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट, सिंपल है, ठीक है। अब अपन देखें, कोई भी जब एंजाइम इसके अंदर ऐड हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में इसने क्या कर दी, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया। जब लो करेगा तो वो क्या होगा, स्टार्ट तो यहीं से होगा सब्सट्रेट से, लेकिन इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो हो जाती है और उसकी वजह से ये प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो देखो आपने इसके अंदर देखा होगा ग्राफ के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो फर्स्ट तो क्या थी, बिना एंजाइम के इतनी थी, ठीक है। लेकिन अगर एंजाइम के साथ में क्या होगा, आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो गई, बिल्कुल लो, ठीक है। इतनी सी एनर्जी चाहिए जबकि वहां पर तो एनर्जी का अमाउंट क्या था, ज्यादा था, और यहां पर अमाउंट क्या हो गया, कम, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन इस ग्राफ से अपन बता सकते हैं कि एंजाइम क्या करते हैं, एक बायोकैटलिस्ट है जो कि क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, कम करेंगे। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी हुई तो अपन को पहले ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अब अपने पास में बहुत कम अमाउंट के अंदर एनर्जी से भी वो क्या हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है और बहुत तेजी से वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगी, ठीक है बेटा। आज अपन ने एंजाइम देखे हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, एंजाइम के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम को इफेक्ट करते हैं, इसको इसकी जो कैपेसिटी है किसी भी रिएक्शन को चेंज करने की उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तब तक नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से या प्रीवियस किसी भी क्लास से तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक थैंक यू।